अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। संदेश वाहक को सच नहीं हो सकता, ये कोई त्रुटि अवश्य है इसमें। कोई त्रुटि नहीं है इस समाचार में। वो मर चुका है। मैंने अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा है और स्वयं उसे अग्नि दी है। वो सदा सदा के लिए जा चुका है, भूल जाइए उसे। राजकुमारी जी, चंद्रगुप्त के लिए जो आपके मन में भावनाएं हैं उस विषय में मैंने महाराज को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था यदि उनको पता चल जाए तो क्रोध के मारे वो अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और न जाने वो क्या अनुचित कर बैठते। मैंने आपको बचपन से ही अपने सामने बड़ा होते हुए देखा है और मेरे मन में सदा ही आपके लिए स्नेह रहा है, जबकि मैं जानता हूं कि इस समय आप मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझती हैं। मैं आपका शत्रु नहीं हूं राजकुमारी जी, मैं तो शुभचिंतक हूं। मैं तो चाहता हूं कि आप अपने आप को व्यवस्थित करें, बुद्धिमानी से सोचें, अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आप मगध की राजकुमारी हैं। यदि राज्य की जनता को यह पता चला कि आप एक राजद्रोही के प्रेम में लिप्त हैं तो क्या सोचेंगे वे? संभालिए अपने आप को, मेरी विनती है आपसे, जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, यही जीवन है। और फिर आप तो मगध की राजकुमारी हैं, बहुत कुछ करना है आपको। अभी यदि आपको यह लगता है कि मैं सब कुछ भूलकर एक नया जीवन आरंभ करूं तो ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल है। हम चंद्रगुप्त को कभी नहीं भूलेंगे, प्रेम करते हम उससे और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। मर जाएंगे पर उसे नहीं भूलेंगे।
कहा था आपने? साधारण जीवन जीना, साधारण जीवन जीना उसके बिना बहुत दूर की बात है अमात्या, बहुत दूर की बात है। उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हम। आप हमें कुछ नहीं समझा सकते, कुछ नहीं, क्योंकि आप हमें समझते ही नहीं। कोई नहीं रोकेगा हमारे प्रेम को, कोई रोक ही नहीं सकता, ना आप, ना पिताश्री और ना चाणक्य। कोई नहीं, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इस समय आप व्यथित हैं, इसलिए आप जो कह रही हैं वे विचार नहीं, मात्र आपकी व्यथा है। किंतु समय हर घाव को भर देता है राजकुमारी जी, और मैं जानता हूं कि कुछ समय बाद आप चंद्रगुप्त को भी भूल जाएंगे, और तब आप पलट के अपने इस व्यवहार के बारे में सोचेंगे। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप अपनी इस मूर्खता पे हंसेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा अमात्य। हम चंद्रगुप्त को कभी नहीं भूलेंगे। जब तक हमारी सांसें चलेंगी, चंद्रगुप्त हमारी सांसों में जीवित रहेगा। मैं आपसे ये पूछ रहा था, पाटलिपुत्र की महिलाएं हैं कि रात बिताने के लिए पाटलिपुत्र से बाहर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हर बात की एक सीमा होती है। मैं भी तो वही कह रहा था कि पाटलिपुत्र की सीमा बहुत ही सुदृढ़ है ना? हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि अरे मान्यवर, मेरे कहने का अर्थ ये है कि हर बात की एक सीमा होती है, किंतु इस बार जो कार्य आप लोग करने को कह रहे हैं वो असंभव है। क्यों? अरे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे आपने पहले कहा कि सेना के उत्कृष्ट अश्वों को आपके घटिया और बूढ़े अश्वों से बदलो, वो मैंने कर दिया ना। लाभ हुआ ना आपको? लाभ हुआ, किंतु उसके बाद आप लोगों ने ये मांग करी कि सेना के उत्कृष्ट हथियारों को आपके पुराने हथियारों से बदल दो। अरे मैंने वो भी कर दिया। तो परंतु लाभ तो हुआ ना? अरे भाई, हर बार लाभ नहीं देखा जाता। अब आप चाहते हो कि आपकी ये गांवटी युवकों की नियुक्ति मैं अपनी सेना में कराऊं? देखिए, यह असंभव है, मैं नहीं कर सकता। चतुरानंद, सेना में भर्ती के नाम पे मैंने उस लड़के से बहुत सारा धन लिया है, और यदि ये कार्य हो गया तो तुम्हें भी समुचित लाभ मिलेगा। अरे भाई, तनिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। आप दोनों के कारण मैं पाटलिपुत्र की सुरक्षा व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव कर चुका हूँ, और आप लोग चाहते हैं कि मैं ये आपके गांवटी युवकों की नियुक्ति अपनी सेना में कराऊं? ये बहुत बड़ा चक्कर है। यदि इस बात की सूचना अमात्या तक पहुंची तो वो मेरी खाल उखेड़ देगा। और आप दोनों को पता नहीं कि आजकल पाटलिपुत्र की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कड़ी चल रही है। एक बात किसी को बताना मत। उड़ती उड़ती सूचना आई है कि महाराज तनायन का परम शत्रु चंद्रगुप्त किसी भी समय पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर सकता है। ये बात किसी को पता ना चले, समझे? सुनो, मगध के सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण राजकीय सूचना सुनो।
मगध का सबसे बड़ा दुस्साहसी शत्रु चंद्रगुप्त अशाक्य राज्य में मारा गया है। वाह! मगधपति महाराज धनानंद का यश और कीर्ति पताका अब नई गगनचुंबी आसमान छुएगी। सभी नागरिकों को इस हर्ष के समाचार पर आनंद मनाने की छूट है। इस शुभ अवसर पर उत्सव मनाने के लिए इस बार राज्य की ओर से आने वाले बसंत उत्सव को अभूतपूर्व स्तर पर मनाया जाएगा। सभी नागरिकों के लिए भरपूर मनोरंजन और राज्य की ओर से निशुल्क भोजन और निशुल्क मदिरा की व्यवस्था भी की जाएगी। क्या बात है! बस इसे कहते हैं ईश्वर की अनुकंपा। बंधु, अब हम जो चाहे, जो भी चाहे वो कर सकते हैं। अरे हमें तो लगता है कि अब प्रशासन द्वारा घोषित आपातकालीन स्थिति भी उठा ली जाएगी। सुना तुमने, चंद्रगुप्त मारा गया। बंधुओं, अब बताओ कितने युवकों की नियुक्ति करानी है सेना? नहीं, अभी नहीं, अभी हमें कहीं जाना है। मित्र, बाद में बताते। हाँ मित्र। आचार्य, आपके लिए एक काढ़ा, संभवतः इससे आपको आराम मिलेगा। आचार्य! शांत, बोलो। आचार्य, वो नगर के मुख्य मार्ग पर हमने उद्घोषणा सुनी कि चंदू चंद्रगुप्त असाख्य में दिग्विजय हमसे विश्वासघात करेगा, सही निकला मेरा अनुमान। अच्छी बात, ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? पहले ये बताओ, चतुरानंद से अपने लोगों को सेना में नियुक्ति का जो कार्य दिया था वो हुआ या नहीं? पहले तो वो हमारी बात मानने से झिझक रहा था। चंदू के मारे जाने
और नगर में उत्सव की उद्घोषणा हो गई। फिर वो प्रसन्न होकर बोला कि हो जाएगा काम, बोलो कितने लोगों को सेना में नियुक्त कराना है। अब आई बात समझ में कि चंद्रगुप्त की मृत्यु का समाचार हमारे लिए किस प्रकार से अच्छा है। युद्ध में शत्रु को असावधान और निश्चिंत करने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता, इसलिए युद्ध जीतने के लिए युद्ध काल में ही शत्रु को विश्वास दिला दो कि वास्तव में युद्ध वही जीत रहा है। वो निश्चिंत हो जाता है, उसके लड़ने की भूख शांत हो जाती है। ऐसे समय में उस पर आक्रमण कर उसे सदा के लिए धराशायी किया जा सकता है। अमात्य प्रमुख और धनानंद ने हमें कुछ ऐसा ही अवसर दिया है। आचार्य, इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रगुप्त जीवित है। युग पुरुष है चंद्रगुप्त, भाग्य का बालक, इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है उसे। उसके जैसा जीवन साधारण जीवन नहीं है। नियति ने जो कार्य सौंपे हैं उसे, उन्हें बिना पूरा किए नहीं मर सकता वो। कई रूप में आए विधाता, एक रूप है उनमें माता, कड़ी धूप में छाया बन जाए, शुद्ध भूखी रह के खिलाए, खुद की ना चिंता जिसको हो महीन पर है महान वो। मातृभूमि है जो हमारे कारण जख्मी है, अन्याय है क्यों हम क्यों है, निशब्द खड़े हम क्यों है, क्या दोष था क्यों दंड हो, अब जाग जा प्रचंड। आदि विजय, क्या अभिनय करते हो, ऐसा उत्कृष्ट अभिनय कि अमात्य तक को सच प्रतीत हुआ। वाह वाह मित्र वाह, जय हो। जय हो। अद्भुत आचार्य, अद्भुत, कितने महान विचार हैं आपके। अर्थात आचार्य, आप पहले से ही जानते थे कि अमाता साके जाएंगे। मूल प्रवृत्ति, जब ढोल बजते हैं तो जानवर उनसे दूर भागते हैं, किंतु मानव उनकी ओर आकृष्ट होता है। चंद्रगुप्त का असाक के जाना एक बड़ा समाचार था, और मुझे पूर्ण विश्वास था कि अमात्य को अपने सूचना तंत्र से जब इस बात का पता चलेगा, दिग्विजय को फुसलाने वो असाक के अवश्य जाएंगे। बस
रच दिया मैंने अपना चक्रव्यूह। और हां, यह प्रस्ताव लेकर मैं अनंत काल तक बैठने वाला नहीं। तुम चंद्रगुप्त के साथ आखेट पर जा रहे हो ना, मैं और मेरे सैनिक तुम्हारा पीछा करेंगे। या तो आखेट पे चंद्रगुप्त मारा जाएगा या फिर मुझे ही कोई कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। जब से ऐसा किया आया हूं सब कुछ आचार्य के अनुमानों के अनुरूप ही हो रहा है। पहले अमात्य के गुप्तचरों को मेरे बारे में पता चला, फिर उनका यहां आना और तुम्हें प्रलोभन देना। चंदू, अब योजना का अगला चरण। जैसा आचार्य ने कहा था मैंने ठीक वैसी ही तैयारियां कर ली हैं। लो चंदू, इस कवच को पहन लो और इसे कवच के नीचे सावधानी से अपनी छाती पे बांध लेना। और ये पोटली? इस पोटली में हम रक्त भर देंगे, इसे तुम अपने कवच के नीचे सावधानी से बांध लेना ताकि छुरा लगने पर रक्त का फवारा अमात्य को तुम्हारी सच्ची मृत्यु का आभास कराए, जो कि होगी नहीं। चंदू, तेरे पीछे जो गड्ढा है उसमें सुरंग नुमा जगह बनाई हुई है और ऊपर से वो छुपने का स्थान किसी को नहीं दिख सकता, तो जैसे ही मैं तुझे धक्का मारूं तो कराते हुए बस उस गड्ढे में लुढ़क जाना। अर्थात दिग्विजय हमारा साथ देगा, है ना आचार्य? निसंदेह। किंतु आचार्य, ये चंद्रगुप्त की हत्या का नाटक करने से हमें क्या लाभ हुआ? तुमने कूटनीतिक युक्ति का मात्र वो पहलू देखा है जिसमें एक छोटी साधारण विजय किंतु उसके साथ जुड़ी बृहद योजना को देखो, जिससे हम हमारा पहला विशाल युद्ध जीतने वाले हैं। राजकुमार, आपके लिए संदेशा है। देख चंदू, आचार्य के अनुमान के अनुसार धनानंद ने मुझे इस बसंत उत्सव में भाग लेने के लिए विनम्र निवेदन भेजा है। ऐसा किया राजकुमार दिग्विजय, मगधपति धनानंद ने इस बार होने वाले बसंत उत्सव में आपको ससम्मान मुख्य अतिथि बनाया है। कृपया उत्सव में उपस्थित रहकर बसंत उत्सव का और हमारा मान रखें। अब जब धनानंद इतनी विनम्रता से प्रार्थना कर ही रहा है तो जाओ, जाकर बढ़ा दो उसका मान। और वैसे भी लगता है ये बसंतोत्सव धनानंद का अंतिम बसंतोत्सव होगा। ठीक है चंदू, तो इस बसंतोत्सव में बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जय हो, जय हो।
बसंत उत्सव। धनानंद ये सोच रहा होगा कि ये दिन उसके विजय के उत्सव का दिन है। और हमें इस दिन को उसकी मृत्यु का दिन बनाना है। जिस समय सारा मगध उत्सव के हर्षोल्लास में डूबा होगा, हम करेंगे धनानंद पर निर्णायक आक्रमण। उस दिन चंद्रगुप्त को उत्सव के अति सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा, क्योंकि वो दिग्विजय के दल में सम्मिलित होगा। अशाक के राजकुमार की, अशाक के राजकुमार की, अशाक के राजकुमार की। जब चंद्रगुप्त अति सुरक्षित घेरे में पहुंच जाएगा, तब चतुरानन की सहायता से मगध की सेना में सम्मिलित चैतन्य विशेष शस्त्र चंद्रगुप्त तक चोरी छिपे पहुंचा देगा। अपने सुरक्षाकर्मियों, अमात्य, मंत्रियों और स्त्रियों के समूह के बीच वो क्षण आएगा जब धनानंद विधिवत इस समारोह का उद्घाटन करेगा, और यही वो उचित समय होगा जब चंद्रगुप्त धनानंद पर लक्ष्य साधेगा। जैसे ही धनानंद धराशायी होगा, उत्सव क्षेत्र और नगर में छिपे हमारे लोग एक साथ विद्रोह करेंगे। उसी समय दिग्विजय की सेना बाहर से पाटलिपुत्र की सीमा पर आक्रमण करेगी। निशंक अमात्य इस अप्रत्याशित भीतर और बाहर से हुए दोहरे आक्रमण से पूरी तरह से भ्रमित हो जाएंगे। संभव है कि उन्हें पता चले कि चतुरानन के भ्रष्टाचार से मगध सेना को खोखला कर दिया गया है। किंतु तब तक पाटलिपुत्र पर हमारा अधिकार हो चुका हो। दिग्विजय, धनानंद का महल है, थोड़ा ध्यान से सुरक्षा को लेकर थोड़ा सचेत ही रहना। मुझे मुझे सबसे पहले आचार्य से मिलना है, उनसे मिलकर आक्रमण की अंतिम रूपरेखा तैयार करनी। तुमसे ठीक 4 दिन के बाद मिलूंगा, वसंतोत्सव से पहली वाली रात। ये लो चंदू, इसे निर्धनों में बांट देना। मगध के नगर वासियों के प्रति मेरे स्नेह का एक विनम्र संकेत। ध्यान रखना चंदू, तुम भी।
कुछ बोलोगे नहीं चंद्रगुप्त? नहीं आचार्य, वो बस आपको देख रहा था। इतने दिनों के बाद आपको देखने का अवसर मिला तो बस अवसर का लाभ उठा रहा था। किंतु आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? आप तो ध्यान में थे और आपकी आंखें भी बंद हैं, फिर बंद आंखों से कैसे देखा आपने मुझे? जिससे आत्मा के तार जुड़ जाते हैं उसे देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आयुष्मान भव, विजयी भव, यशस्वी भव। पता नहीं क्यों मन के किसी कोने में आभास हो रहा है कि आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताजनक अवश्य है। अपने मन के इस संदेश को विस्मृत कर दो। तुम्हारा मन यूं ही खेल रहा है तुमसे। इस समय हमें कुछ आवश्यक बातों पर विचार विमर्श करना है। कहिए आचार्य। इस वसंत उत्सव में हमें धनानंद को मारने का एक अवसर मिलने वाला है, केवल एक अवसर। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जब यह अवसर मिलेगा तो हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हम धनानंद को ही मार रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? स्मरण है तुम्हें, तुमने पहले भी धनानंद को मारने का एक प्रयास किया है। हमारे जैसे दिखने वाले हमारे पास 9 रूप और हैं। कितने? 9। किंतु इस बार हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम जिसे मार रहे हो वो धनानंद ही है। उसके जैसे दिखने का स्वांग भरने वाला कोई बहुरूपिया नहीं है, अन्यथा हमारी ये योजना असफल हो जाएगी। किंतु आचार्य, ये कैसे संभव है? हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जिसे हम मार रहे हैं वो कोई बहुरूपिया नहीं है? इसके लिए वसंत उत्सव से पहले हमें धनानंद के 8 बहुरूपियों का पता लगाना होगा। ठीक हूं मैं, छोड़ो। तुम दोनों बहुत बड़े वो वीर। बोलो फुर फुर फुर। आप दोनों बंधु हो, अब अपने एक और व्यक्ति को बसंतोत्सव के मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मी के पद पर चाहते हो कि मैं नियुक्त करूं? नियुक्त आपकी कृपा हो। आप दोनों बंधुओं को एक बात पूछती हूं, कितने भ्रष्टाचार कर चुके हैं हम आप दोनों बंधुओं के लिए?
लाभ हुआ ना? लाभ हुआ बंधु, लेकिन आप दोनों का मन नहीं भरता। बंधु, हम जानते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत सारे कार्य, परंतु एक कार्य, फिर उसके बाद हम दोनों आपको कुछ नहीं करने को कहेंगे। अंतिम 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 अच्छा अंतिम अंतिम एक क्षण में आता हूँ। ठीक है, दिया एक क्षण एक क्षण जाओ जाओ मित्र, हाँ जाओ। चलो मैं सर। अंतिम कार्य क्या है बताओ ना। बताते हैं। कहाँ है वो लोग? कहाँ आ गए वो? अरे संभाल के संभाल के आ गए वो संभाल के। चतुरानंद जी, ये चतुरानंद जी हैं पूरे पाटलिपुत्र के आंतरिक सुरक्षा मंत्री, हमारे मित्र बन गए हैं। प्रणाम करो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चतुरानंद जी, आपको इस नवयुवक को वसंतोत्सव के सुरक्षा कर्मियों में सम्मिलित करना है। इस योग बस। फिर क्या है चतुरानंद जी, इसकी सहायता से हम दोनों मित्र वसंतोत्सव में नित्य करती सुंदर सुंदर नित्यांगनाओं को समीप से देख पाएंगे। बड़े शरारती दूत। और यदि आपकी कृपा हुई तो उस वसंत सौ का आनंद भी उठा लेंगे। आनंद। बंधु, निश्चित ही उठाओगे तुम दोनों आनंद। हो दूर धो। मैंने कहा था ये दोनों बहुत बड़े वो दूर्द है। दूर्द है। बंधु हो समझो, किया 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 तुम्हारा ये कार्य हमने कर दिया कर दिया। हम अभी इसी समय मुख्य कार्यालय जाकर अर्थात अपने इस नए बंधु को अपने साथ ले जाकर बसंतोत्सव का सुरक्षा कर्मी नियुक्त करवा देते हैं। ए भाई, चतुरानंद जी को उनके निवास स्थान तक छोड़ आना सुरक्षित। कैसे सुरक्षित? हाँ, जाओ भाई, भाई, जाओ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि दूर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुंभा शुंभा। शशांक और अहिर्या, निश्चित रूप से इन्होंने इतनी मदिरा पिलाई होगी इस मंत्री को, अर्थात षड्यंत्र। और ये सब चाणक्य के निर्देशों के बिना कैसे हो सकता है? इसका मतलब चाणक्य भी है। Go!
क्या हुआ हीरिया? शशांक पीछे मुड़ के मत देखना, मुझे लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। इस समय हम कोई भी संकट मोल नहीं ले सकते, जितनी शीघ्रता से हो यहां से चलो। तो चाणक्य के शिष्य पाटलिपुत्र में है, अर्थात चंद्रगुप्त की मृत्यु उपरांत भी ये लोग कोई षड्यंत्र करने में लगे, और यदि ये यहां पर लुप्त हुए हैं इसका अर्थ ये हुआ कि ये यहीं कहीं आसपास छिपे हैं, और यदि मैं इनके षड्यंत्र का पता लगा लूं और चाणक्य को पकड़ लूं तो मैं फिर से धनानंद का विश्वास जीत सकता हूं।